नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आज है 5 सितंबर 2022। तो आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हमने जो 3 सितंबर के करंट अफेयर पढ़ा था उसका हम लोग शॉर्ट में रिविजन कर लेते हैं। दोस्तों, संडे को आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास नहीं चलती, टॉपिक वाइज करंट अफेयर की क्लास चलती है। इसलिए कल तो क्लास चला नहीं, लेकिन सैटरडे को ये क्लास चलेगी। तो सैटरडे का ही जो हमने करंट अफेयर पढ़ा था उसका हम लोग शॉर्ट में रिविजन कर लेते हैं। चूंकि आज 5 सितंबर है तो आपको पता है कि 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, ठीक है। तो चलिए फिर अपने कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का हम लोग रिविजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में आयोजित हुए एक समारोह में SN जंक्शन और वडक्के कोट्टा को जोड़ने वाले पहले चरण के हिस्से का उद्घाटन किया है। यह कोची शहर में किया है। किस शहर में किया है? तो कोची शहर में किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति ने LCA मार्क टू लड़ाकू विमान के विकास को मंजूरी दे दी है, यह किसकी जगह लेगा? तो यह मिराज 2000, जगुआर और मिग 29 की जगह लेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर आशुतोष रारा विकर हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 7.7% कर दिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस मंत्री ने अगस्त 2022 में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो मंजू पारा महेंद्र भाई कालू भाई ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए किस कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको की सहायक कंपनी जीरोसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह पॉस्को स्टील कंपनी ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस दिन को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 2 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को आपका टीचर्स डे, ठीक है, यानी कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसी तरीके से अगर बात की जाए 16 सितंबर को, तो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने रूस में एक बहुपक्षीय रणनीतिक और कमांड सैन्य अभ्यास किस में भाग लिया है? तो यह वोस्तोक में भाग लिया है। और इसमें भारत, रूस और के साथ चीन ने भी हिस्सा लिया है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अपेक्षा फर्नांडिस बनी है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने NHPC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यमुना कुमार चौबे ने ग्रहण किया है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, ये था हमारा कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन। अब हम लोग चलेंगे अपने आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। उसके पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल। इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर से ज्वाइन कर लें। चलिए हम अपने आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य में नुआखाई नामक कृषि उत्सव मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, ठीक। यानी कि नुआखाई मुख्य रूप से उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाए जाने वाला एक कृषि त्यौहार है और चावल के नए मौसम का स्वागत करने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नुआखाई महोत्सव, नुआखाई कृषि महोत्सव किस लिए मनाया जाता है, तो चावल के नए मौसम का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। और नुआखाई दो शब्दों का मेल है जो नए चावल खाने का प्रतीक है। नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है खाना, ठीक। और नुआखाई महोत्सव गणेश चतुर्थी उत्सव के अगले दिन मनाया जाता है और यह 2022 में
इसे 1 सितंबर 2022 को मनाया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि शुरू की है, तो यह राजस्थान राज्य ने किया है। ठीक है, यानी कि क्या, यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है, तो महिला निधि की शुरुआत की है, और यह नए व्यवसाय शुरू करने के लिए महिलाओं को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है, और यह योजना 48 घंटे के भीतर 40,000 रुपए तक और 15 दिन के भीतर 40,000 रुपए से अधिक के ऋण वितरित करेगी, और तेलंगाना के बाद राजस्थान महिला निधि योजना स्थापित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महिला निधि योजना स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है, तो आप बताएंगे तेलंगाना है, जबकि दूसरा राज्य कौन है, तो यह राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है, तो यह उत्तराखंड सरकार ने किया है। किसने किया है, तो उत्तराखंड सरकार ने किया है, यानी कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने अगस्त 2022 में एक ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है। ठीक है, और यह 5 राज्य विश्वविद्यालयों और 140 पब्लिक स्कूलों से प्रवेश परीक्षा और नियुक्तियों के बारे में जानकारी सहित सभी प्रशासनिक और शैक्षिक अपडेट प्रदान करेगा, और यह राज्य में शिक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए शुरू किया गया है। बात किया जाए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप सभी को पता है कि पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड की दो राजधानी है, एक है देहरादून और दूसरा है गैरसैंण। तो आपको बताना है कि इनमें से देहरादून और गैरसैंण में से कौन शीतकालीन राजधानी है और कौन ग्रीष्मकालीन राजधानी है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच साझेदारी को गहरा करने के लिए सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो यह भारत और यूएई ने किया है। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात ने, अरे बड़ा खूबसूरत शहर है, मतलब बड़ा खूबसूरत देश है ये, है आपका पूरा ये देश बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, तो अगर आप लोग कभी मौका मिलेगा तो यहाँ पे जरूर जाइएगा। ठीक, और यूएई की राजधानी क्या है, तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है। हमारा अगला प्रश्न, मतलब यानी कि इसका इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, तो भारत और यूएई ने दोनों देशों के बीच साझेदारी को गहरा करने के लिए सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और 1 सितंबर 2022 को अबू धाबी में भारत यूएई संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और इस बैठक की सह अध्यक्षता एस जयशंकर और उनके यूएई समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने की है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सितंबर 2022 में स्टारबक्स के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो लक्ष्मण नरसिम्हन को नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पर नियुक्त किया गया, तो हावर्ड सुल्तस, क्या नाम है इनका, तो हावर्ड सुल्तस की जगह नियुक्त किया गया है, और ये है लक्ष्मण नरसिम्हन, और ये है स्टारबक्स की काफी। देखिए, स्टारबक्स एक कंपनी है, कहां की कंपनी है, तो अमेरिका की, और ये कॉफी हाउस है, और ये इसका जो कॉफी हाउस का जो सीरीज है ये पूरे विश्व में लगभग हर जगह फैला हुआ है। आज आप अगर बात करें भारत की, तो भारत के हर एक महत्वपूर्ण शहर में, लगभग हर शहर में स्टारबक्स का कॉफी कैफे है। बहुत अच्छा कॉफी मिलता है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली होता है, क्योंकि अमेरिका की कंपनी है, तो जाहिर सी बात है टैक्स वैक्स इतना ले लेते हैं कि ये कॉफी बड़ी महंगी हो जाती है, लेकिन कॉफी अच्छी होती है। ठीक है, वही अगर बात किया जाए यमुना कुमार चौबे की, तो यमुना कुमार चौबे को क्या नियुक्त किया गया है, तो यमुना कुमार चौबे हाल ही में NHPC के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, MD और अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात किया जाए संतोष अय्यर की, तो संतोष अय्यर को हाल ही में क्या नियुक्त किया गया, तो संतोष अय्यर को भारत में मर्सिडीज बेंज का CEO नियुक्त किया गया है। यानी कि लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय कैफे श्रृंखला स्टारबक्स ने भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को अपना नया
मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है। नरसिम्हन 1 अक्टूबर 2022 को हार्वर्ड सुल्तस, जो अप्रैल 2023 तक अंतरिम प्रमुख के रूप में बने रहेंगे, की जगह स्टारबक्स में शामिल होंगे। इससे पहले नरसिम्हन ने रैकेट बैंकिजर के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य किया है और अमेरिका स्थित स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी हाउस श्रृंखला है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने किस कंपनी ने भारत के पहले एलएनजी ईंधन वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किया है, तो यह ब्लू एनर्जी मोटर्स ने किया है। ठीक है, यानी कि ब्लू एनर्जी मोटर्स ने 2 सितंबर 2022 को भारत के पहले एलएनजी ईंधन वाला ग्रीन ट्रक का अनावरण किया है और ट्रक निर्माण सुविधा पुणे के पास चाकन में स्थित है और इस सुविधा का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया है। ठीक है, और ब्लू एनर्जी मोटर्स के ट्रक लिक्विड नेचुरल गैस से चलने वाली लंबी दूरी के भारी शुल्क वाले ट्रक होंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 2021 के अंतिम 3 महीनों में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो यह कौन बन गया है? तो यह भारत बन गया है। कभी भारत ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, लेकिन आज भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यह है भारत की ताकत। ठीक है, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 के अंतिम 3 महीनों में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संकलित सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों पर आधारित है और भारत सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से पीछे है। ठीक, 2022-2023 में भारत की अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है और भारत ने 2021-2022 में 8.7% की वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत किसको कमीशन किया है? तो INS विक्रांत को किया है और इसके साथ साथ मोदी ने एक नौसेना पताका का भी अनावरण किया है और यह जो नौसेना पताका है यह शिवाजी के प्रोत्साहन पर किया गया है, मतलब शिवाजी को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को कमीशन किया है और उन्होंने नई नौसेना पताका निशान का भी अनावरण किया है। नौसेना पताका वे झंडे होते हैं जो नौसेना के जहाजों या संरचनाओं पर राष्ट्रीयता को दर्शाने के लिए लगाए जाते हैं। वर्तमान भारतीय नौसेना पताका में एक सेंट जॉर्ज क्रॉस शामिल है जो सफेद पृष्ठभूमि पर बना एक लाल क्रॉस है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह कल्याण चौबे को नियुक्त किया गया है। ठीक है, वहीं अगर बात किया जाए तपन कुमार डेका की, तो तपन कुमार डेका IB के प्रमुख है। किसके प्रमुख है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख है। वहीं अगर बात किया जाए सामंत कुमार गोयल की, तो सामंत कुमार गोयल रॉ के प्रमुख है। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। और वहीं बात किया जाए नितिन गुप्ता की, तो नितिन गुप्ता सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं, आप इन्हें भी याद रखेंगे। ठीक, यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के 85 साल के इतिहास में बुइचुंग भूटिया को चुनाव में हराकर एक पूर्व खिलाड़ी कल्याण चौबे इसके पहले अध्यक्ष बने हैं और चौबे मोहन बगान और पूर्वी बंगाल के पूर्व गोलकीपर हैं और कर्नाटक फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष NA हारिस ने राजस्थान के मानवेंद्र सिंह को हराकर उपाध्यक्ष का पद चुनाव जीता है। ठीक है, और हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख लेते हैं। उसमें है कि बी शेख अली का
सितंबर 2022 में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो वह इतिहासकार क्षेत्र से प्रसिद्ध थे। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 महीने में एकत्र किया गया सकल जीएसटी राजस्व कितने करोड़ रुपए का था? तो 1,43,612 करोड़ रुपए का था। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने भारत में कार्बन तटस्थता में तेजी लाने के लिए बायोगैस प्रदर्शन परियोजना शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि एनडीडीबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यह सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में आपूर्ति श्रृंखला के वित्त समाधानों का समर्थन करने और इसको बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने एशियाई विकास बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है? तो इंडस इंड बैंक ने किया है। और हमारा आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 सितंबर 2022 से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आएंगे, बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज करंट अफेयर का वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि आज क्या था, भारत पाकिस्तान का मैच था, उसी में थोड़ा बिजी हो गया। उसके बाद से मैं पीडीएफ बनाना शुरू किया, तो आपका थोड़ा सा वीडियो आप लोगों को हो सकता है कल जो आप लोगों को सुबह ये वीडियो मिलेगा तो शायद थोड़ा सा लेट मिलेगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कल मैच में मैं देखने में व्यस्त हो गया, इसकी वजह से थोड़ा सा पीडीएफ आपका लेट हो गया। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।